हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर वेब पेट केयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शूडो प्रेगनेंसी या फॉल्स प्रेगनेंसी के बारे में। तो दोस्तों, जैसा नाम में है, फॉल्स प्रेगनेंसी मतलब झूठी प्रेगनेंसी। इस केस में ओनर को लगता है कि उनकी डॉग प्रेग्नेंट है, मगर असलियत में वो प्रेग्नेंट नहीं होती। फॉल्स प्रेगनेंसी के चांसेस कैट्स के मुकाबले डॉग्स में ज़्यादा होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शूडो प्रेगनेंसी होने के रीज़न क्या हैं, डॉग्स इसमें कौन कौन से साइन शो करती है और आपको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए ऐसे केस में। तो दोस्तों, जब कोई नॉन प्रेग्नेंट फीमेल ऐसे साइन या सिम्टम शो करे जो एक प्रेग्नेंट डॉग शो करती है, उसे फॉल्स प्रेगनेंसी या शूडो प्रेगनेंसी कहते हैं। और ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि डॉग ने मेटिंग करी है या नहीं। आमतौर पर फीमेल डॉग्स अपनी लास्ट हीट साइकिल के 1.5 से 2 महीने बाद ऐसे साइन शो करती है जिससे ओनर को लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, जैसे नेस्टिंग बिहेवियर, मतलब डॉग्स अपने बच्चों के लिए कागज या कपड़ों को इकट्ठा करके घर बनाने लगती है, जूते या दूसरे खिलौनों को इकट्ठा करने लगती है। कभी कभी उनके टीट्स भी स्वेल होने लगते हैं और किसी किसी केस में उनमें से दूध जैसा वाइट फ्लूड भी आने लगता है। इस फॉल्स प्रेगनेंसी में उनका पेट भी पहले से थोड़ा बड़ा दिखने लगता है, वज़न बढ़ने लगता है, और इसीलिए इन सब चीज़ों को देखकर ओनर को लगता है कि उनकी डॉग प्रेग्नेंट है। ऐसे में डॉग थोड़ी सुस्त होने लगती है और किसी किसी केस में पीछे से हल्का सा डिस्चार्ज भी आने लगता है और कभी कभी वॉमिटिंग भी आने लगती है। तो ऐसे केस में अपने वेट डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए और प्रॉपर चेकअप करवाइए कि सच में आपकी डॉग प्रेग्नेंट है या नहीं। फॉल्स प्रेगनेंसी के कुछ रीजंस होते हैं और मेन रीज़न होता है हॉर्मोन्स का चेंज होना। एक इंटैक्ट फीमेल डॉग्स की लाइफ में काफ़ी हॉर्मोनल चेंजेस होते हैं, तो जब प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन कम होता है या प्रोलैक्टिन हॉर्मोन बढ़ता है, तब फॉल्स प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप अपने डॉग्स की स्पेइंग डाई स्ट्रेस स्टेज में करवाते हैं तो भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एकदम से कम होता है और ऐसे में डॉग फॉल्स प्रेगनेंसी के साइन शो करने लगती है। कुछ फीमेल डॉग्स में भी जिनके थायराइड की प्रॉब्लम है, मतलब हाइपोथायराइडिज्म है, उनके ब्लड में भी कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जिनसे प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ने लगता है और डॉग फॉल्स प्रेगनेंसी के साइन शो करने लगती है। तो दोस्तों, आम तौर पर शूडो प्रेगनेंसी के साइन कुछ दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। इस केस में किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती और अगर डॉग इंटैक्ट है तो वह अपने नेक्स्ट हीट साइकिल में भी आ जाती है। ऐसे माइल्ड केस में आप अपने डॉग्स के पेट पर एक बैंडेज बांध सकते हैं जिससे वो अपने टीट को लीक ना करे। बैंडेज इतनी टाइट भी नहीं होनी चाहिए कि उसे उठने बैठने या खाने पीने में प्रॉब्लम हो, या फिर आप ई कॉलर का भी यूज़ कर सकते हैं। और शाम होने के बाद अपने डॉग को पानी ना दें जिससे जो मिल्क सिक्रीशन है वो कम हो जाए। लेकिन दोस्तों, किसी किसी केस में डॉग ज़्यादा ही सीरियस हो जाती है, तो ऐसे केस में तुरंत अपने वेट डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। इसका पता लगाने के लिए कि आपकी डॉग सच में प्रेग्नेंट है या शूडो प्रेग्नेंट है, इसके लिए अपने वेट डॉक्टर से हेल्थ चेकअप करवाइए, उन्हें डॉग के मेटिंग की पूरी हिस्ट्री बताइए कि आपने मेटिंग करवाई है या नहीं करवाई, अपने डॉग का एक्सरे और अल्ट्रासाउंड करवाइए जिससे कंफर्म हो जाए कि वो सच में प्रेग्नेंट है या नहीं।
और अगर आपकी डॉग फॉल्स प्रेग्नेंट है तो ऐसे केस में अपने वेट डॉक्टर की सलाह से मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। बिना अपने वेट डॉक्टर से पूछे कोई भी मेडिसिन ना दें, क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो डॉग्स में वोमिट करवाती हैं, और कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा होने पर लीवर या किडनी पर बुरा असर करती हैं। तो दोस्तों, अगर आपके डॉग के फॉल्स प्रेगनेंसी है तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद वह वापस अपने नॉर्मल हीट साइकिल में आ सकती है और नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट भी हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।